इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से। जनपद के ब्लॉक ददरौल के गांव घुसबारी में मुख्य मार्ग हुआ जर्जर। बरसात के मौसम में ग्रामीण राहगीर का निकलना हुआ दूभर। स्कूली बच्चे गिरकर हो रहे चोटिल। ग्राम प्रधान और सचिव नहीं दे रहे ध्यान। गांव घुसबारी में मुख्यमंत्री का विकास हुआ पागल। मुख्य मार्ग में दिखाई दे रही कीचड़। ग्राम प्रधान और सचिव की आंखों में भ्रष्टाचार की पट्टी। ग्रामीण कर रहे लगातार मुख्य मार्ग के निर्माण की मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के ददरौल के गांव घुसबारी में काफ़ी समय से मुख्य मार्ग जर्जर है। बरसात के मौसम में यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। राहगीर चोटिल होते हैं। स्कूली बच्चे परेशान। कई बार मामले की जानकारी सचिव और ग्राम प्रधान को दी गई लेकिन भ्रष्टाचार की चादर ओढ़े सचिव और ग्राम प्रधान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं उनका विकास घुसबारी में दम तोड़ता नजर आ रहा। बाबा जी का मंडल लेकर विकास का छिड़काव कर रहे हैं तो वहीं गांव घुसबारी के क्षेत्र में उनके छिड़काव के बाद भ्रष्ट अधिकारी पनप रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही। सचिव और ग्राम प्रधान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अब देखना यह है कि सचिव और ग्राम प्रधान आखिर कब भ्रष्टाचार की नींद से उठेंगे और कब यहाँ के मुख्य मार्ग का निर्माण होगा। ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। आखिर कब तक राहगीर ग्रामीण और स्कूली बच्चे यहाँ से निकलने पर गिरकर चोटिल होते रहेंगे, ये देखने वाला विषय है। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पंचायत घुसवारी का मूल निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मैं जो रोड है खिरिया गांव से लेकर रोहिलखंड हॉस्पिटल तक जी जो है अभी तक निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही। पानी का इतना भराव हो जाता है वहाँ पे, ना तो कोई गाड़ी निकल पाती ना ही ट्रैक्टर। और जो स्टूडेंट आते हैं हरनोखा खिरिया से पढ़ने के लिए जी, कपचड़ा वगैरह जाते हैं तिलहर या शाहजहाँपुर, तो वो कई बार गिर भी गए, एक दो बार एक्सीडेंट भी हो गया है। लेकिन कई लोगों से जानकारी दी, ग्राम पंचायत प्रधान को भी जानकारी दी और सचिव को भी जानकारी दी, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सचिव के लिए तो 4-5 बार मैं कॉल भी किया हूँ। अच्छा, अब क्या आप मांग करना चाहते हैं सरकार से? मांग करना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत की सड़क है निकलने बैठे हम दिक्कत होती वो काफ़ी सही हो जाए। बस और कोई सरकार से हमें कोई वो नहीं है, बस निकलने बैठने में दिक्कत होती है। आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, पर्सनली हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आम जनता की ज़्यादा दिक्कत है। क्या नाम है आपका? हमारा जयदेव नाम भाई। क्या समस्या है आपकी? रोड बन जाए तो रुका है, बड़ा दिक्कत होती निकलने का, यहाँ परेशानी होती बहुत। अच्छा, इसकी सूचना प्रधान को दी थी? प्रधान देना, प्रधान खोदो तो खुदो परो, प्रधान बनवाओ कहाँ फिर। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कछु ना करवाएगी अभी। अच्छा, कितने दिनों से खुदा पड़ा है ये? 6 महीना परो खुदो है वो जो सब लोग। ठीक, और रुका। नाम है आपका? नाम घनश्याम सिंह। कहाँ रहते हैं? खेरिया उधर। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या जो है कि सड़क पर बड़ी खींच है और गड्ढा गुड्ढी है, इसलिए बहुत निकलने में बहुत दिक्कत होती है। कहाँ पे? ये घुसवारी गांव में। चाहे इसकी शिकायत किसी से की थी? हाँ, शिकायत बहुत सी की लेकिन कोई अधिकारी सुनता ही नहीं। अच्छा,